तो बेटा तुम्हें बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा? हैं? फिर आओगे घूमने? अब तो बारिश पड़ गई, घर कैसे जाओगे? सो गाइस, बारिश आ गई है बहुत तेज, आप देख सकते हैं। हेलो, इतनी तेज बारिश आने वाली है। दोस्तों आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पर टाइगर की आवाज़ आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीम नैनीताल एवरीवन। तो मैं आज आया हूँ केव गार्डन घूमने के लिए। ये नैनीताल में केव गार्डन है सुकाताल की तरफ, और मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ यहाँ घूमने। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से केव गार्डन कैसा है, और प्लीज़ ये बहुत ही खूबसूरत है। कभी भी आप नैनीताल आएँ तो इस जगह को मिस ना करें और यहाँ ज़रूर आएँ। गाइज, हम केव गार्डन के अंदर देखिए एंटर हो गए हैं। इसके अंदर जाते ही हम एक जंगल वाली दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें और शुरू से लास्ट तक मेरी वीडियो देखना। देख सकते हैं चलो आगे चलो। आयशा हाय कह दो। अनाबिया तो आज बच्चे यहाँ एंजॉय करेंगे। सो गाइस, आपने ऐसा पेड़ बोलने वाला हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, आज रियल में नैनीताल के केव गार्डन में भी देख लीजिए। आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप छह अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार। तो गाइज, आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ के जानवर, टाइगर, पैंथर और यहाँ के पक्षी। तो आप मेरे साथ बने रहें, इको केव गार्डन में आपका स्वागत है। आइए, तो केव गार्डन में आपका स्वागत है। टाइगर की आवाज़ आ रही है आगे से, टाइगर की आवाज़ आ रही है। टाइगर केव। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि टाइगर केव में देखो टाइगर की आवाज आ रही है। तो गाइस, मैं तो इस गुफा के अंदर जाने वाला हूं, अगर आप आए तो आप भी इस गुफा के अंदर जरूर जाएं। सो गाइस, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं इस गुफा के अंदर। टाइगर ऐसी जगह रहते हैं, देख लीजिए आप। सो गाइस, आप देख सकते हैं टाइगर ऐसी जगह पर रहते हैं। ये गुफा है, ऐसी गुफाओं में टाइगर रहते हैं। टाइगर हो गए, शेर की गुफा भी ऐसी होती है, होती होगी, देखी तो है नहीं कभी, लेकिन टाइगर तो ऐसी गुफा में ही रहते हैं। मैं हूं तो सो गाइस, आप देख सकते हैं खतरों के खिलाड़ी हम हैं, तो खतरों के खिलाड़ी हमारे बच्चे भी हैं, नहीं डरते हैं वो किसी से भी। देखो इस गुफा के अंदर कितने बेखौफ आगे की ओर चलते हुए, आगे की तरफ चलते रहो बेटा, डरो मत किसी से, मैं हूं ना। हाँ,
संभाल संभाल के, संभाल संभाल के, देख देख के कदम रखो। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, आप देख सकते हैं इस गुफा के हम दूसरी तरफ पहुंचने ही वाले हैं, दूसरी तरफ से हम निकलेंगे इस गुफा के। लेकिन पूरी गुफा में देख ले, टाइगर कहीं नहीं मिला, शायद डर के मारे भाग गया हमसे वो। हाँ, ये पंजों के निशान है देखो सिर के। सो गाइस, हम टाइगर केव से बाहर आकर पैंथर केव के पास पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं पैंथर केव है। ये पैंथर केव है, यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपको पैंथर केव में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सो गाइस, बच्चों को कर दिया है मैंने पीछे, मैंने कहा आप यहीं पर रुके रहो, मैं जाता हूँ नीचे की तरफ, देख कर आता हूँ पैंथर केव कैसी है, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ख़तरनाक है और मुझे डर लग रहा है कि बच्चे वगैरह फिसल वगैरह ना जाएं। तो आप भी आएँ तो अपने बच्चों को ना लेकर आएँ ऐसी केव में, क्योंकि यहाँ बहुत फिसलन है, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है। और आप भी आएँ तो बहुत देखभाल के ही आएँ। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए पैंथर केव है। तो ये देखिए गाइस, मैं पैंथर केव में नीचे की तरफ आ चुका हूँ। गाइस, पैंथर तो है नहीं यहाँ पर, लगता है कहीं शिकार करने गया है शायद वो। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, देखिए यहाँ से भी ऊपर की साइड एग्जिट गेट है। ये देखो मैं नीचे की साइड आ गया हूँ, और ये देखो ऊपर की तरफ मेरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि पापा कहाँ चले गए। बेटा आ रहे हैं, पापा भी ऊपर को आ रहे हैं। सो गाइज, मैंने पैंथर केव दिखाई आपको, अब यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं। सभी अपने हाथों से बनाए हुए हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ भी। ये देखिए हैंडमेड है, और ये केदारनाथ बद्रीनाथ आप देख सकते हैं बनाया हुआ है। तो आपके एक गार्डन आए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, आप कभी भी आप नैनीताल आए तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये मैम है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ सारा आपको हैंडमेड और प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे हमारी ये भी सब हैंडमेड बने हुए हैं जी। एक ही पेंटिंग से, ये भी हाथ की बनी हुई है, ये तामपत्र के कागज की बनी हुई है, हमारे वेद पुराण लिखे जाते हैं इसमें, कागज की बनी हुई है। ये हैंडमेड आपको वो मिलेंगे सारे प्रोडक्ट, जैसे बॉडी क्रीम, स्क्रब सोप, लेग्स सोप,
बॉडी ऑयल, फेस और ये स्क्रब पाउडर लगा, और ये पहाड़ के पीछे हुए नमक भी मिल जाएगा आपको, और हैंडमेड छल्ले भी मिलेंगे आपको, ये जी जी की रिंग और ये इयर रिंग भी, की रिंग भी और इयर रिंग भी दोनों। तो गाइस हम चलते हैं अब आगे की तरफ, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं झूला झूलने के लिए, तो अब इनको बच्चों को बहुत जल्दी जाना है इनको, क्योंकि झूला झूलना है, तो हम चलते हैं फिर आगे की तरफ। सो गाइस आप देख सकते हैं आगे की तरफ झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, बच्चे बहुत एक्साइटिंग है झूलों में बैठने के लिए। गाइस देखिए आपके बच्चे आएंगे कितना एंजॉय करेंगे, कितना खुश होंगे। ये निकल आई आयशा भैया की, अब बारी है अना भैया की, तो अना भी आप आए, ये बारी है देखो अना भैया की। हाँ
गाइस आप देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, उनके बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ घंटे का बटन दबा देना जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।